हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि सबके साथ रेजोनेट होगी। ये कलेक्टिव होगी, 88 का पोर्टल है, तो सबके साथ ये रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि कुछ आपके लाइफ में कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, कुछ असेंशन हो रहे होंगे, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है आपको हैंड में और लेग में खिंचावपन फील हो रहा हो, आपकी हैंड और लेग की फिंगर्स में खिंचावपन फील हो सकता है, हेडक हो सकता है, फीवर टाइप हो सकता है, बॉडी शिवरिंग हो सकती है, हीट फील कर सकते हो, साथ में थ्रोट ब्लॉक हुआ है और कुछ बॉडी में बदलाव देखने को मिल रहे होंगे। कुछ का वेट गेन हुआ होगा तो कुछ का लूज हुआ होगा, भूख कम लग रही होगी आजकल, या आपके नेक में भी बड़ी ड्राइनेस फील कर सकते हो और साथ में खराश भी, इचिंग बहुत हो रही होगी, फेस पे रिंकल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सब एसेंशन की वजह से और डिमेंशन चेंज होने की वजह से आपको चेंज देखने को मिल सकता है। साथ में सैक्रल में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, तो आपको अभी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ में पानी ज़्यादा पीना है। आपके पार्टनर साइलेंट मोड पर चले गए हैं, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं, साथ में फैमिली वाले भी परेशान कर रहे होंगे, तो इरिटेशन की वजह से सब साइलेंट हुआ है। और कुछ डीएम और डीएफ आउट ऑफ कंट्रोल हुए होंगे, इन्होंने अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करके परेशान कर रहे होंगे या चेज कर रहे होंगे, तो इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी किया होगा। कुछ अनअवेकन होने की वजह से और कुछ इरिटेट होने की वजह से आपको ब्लॉक और इग्नोरेंस मिल सकती है। कुछ डीएम और डीएफ की बातें हो रही होंगी, लेकिन अभी कमिटमेंट इशू रहेगा, अभी कमिटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग और डिसीजन लेने के लिए उन्हें टाइम चाहिए, क्योंकि उन्हें सब में बैलेंस करना है, तो हो सकता है वो टाइम ले सकते हैं। कुछ के डीएम और डीएफ आपको फिज़िकल होने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिज़िकल इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है, बहुत एनर्जी आप फील कर रहे होंगे, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होगा, साथ में अभी अनअवेकन है, तो अभी थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा और उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिएगा, उनका वेट कीजिएगा, आगे वो एक्शन क्या लेते हैं, एकदम से आपको उनके साथ इंटीमेट नहीं होना है। आप सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनियन टाइम भी है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से डिटैच होना है, क्योंकि यह ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे आपका यूनियन को रोकने के लिए, और आप सबको ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है, साथ में अलर्ट रहना भी है। कर्मा भी क्रिएट नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है, कोशिश करें कि साइलेंट रहें, अगर कुछ इशू होता है तो खुद को साइलेंट वे में रखें और अपने और पॉजिटिव थॉट रखनी है, तो पॉसिबल हो तो अपने आप को बैलेंस करके रखना है। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, इनर वर्क करते रहो, कोई भी इशू है, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ी मांगनी है तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो, अगर आपके अंदर कोई इशू सामने आता है, ईगो एंग्जाइटी या डिप्रेशन ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली इशू है तो चाइल्ड इशू कर सकते हो। तो पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, पेशेंस रखना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड को एंड जस्ट को एंड सेल्फ को। थैंक यू सो मच।